आज मैं आप लोगों के लिए छोटे की किचन से नई रेसिपी लेके आई हूँ बाटी की। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपके पास ओवन नहीं है और बाटी खाने का मन है आपका, तो आप किस तरह कढ़ाई में बाटी बना सकते हैं। कढ़ाई में बाटी बनाना बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं बाटी की रेसिपी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये मैंने आटा लिया है गेहूं का। अब इसमें हम नमक डालते हैं, एक चम्मच हल्दी डालेंगे, एक चम्मच अजवाइन लेंगे और इसको हथेली की मदद से इस तरह मसल के इसमें डालेंगे। ये मैंने 5 चम्मच बेसन लिया है, इसको डाल देंगे इसमें। अब इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। एक छोटा चम्मच खाने का सोडा डालेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका टाइट आटा तैयार करना है। बाटी का आटा तैयार है। अब हम क्या करते हैं, इसकी लोई बनाते हैं। ऐसे हाथ में आटा लेंगे और इसकी लोई बनाएंगे। ऐसे लोई बनाएंगे, देखिए बाटी बना के रख ली है मैंने। अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस में मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें मैंने 1 कटोरी नमक डाला है और स्टैंड लगा दिया है। आप स्टैंड की जगह कोई कटोरी भी रख सकते हो अगर स्टैंड नहीं है तो। अब मैं क्या करती हूँ, प्लेट रखती हूँ ऐसे। अब इसमें हम बाटी रख देते हैं। इस तरह से बाटी रख के और इसको अब ढक देते हैं प्लेट से। बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे हम बाटियों को और इसको पकने देते हैं। बिल्कुल स्लो कर देंगे गैस को। 8 से 10 मिनट हो चुकी हैं। अब देखते हैं बाटियों को। देखिए बाटियां ऊपर से अच्छी तरह सिकने लगी हैं। अब इनको पलट के देखते हैं। इस तरह हम पलट देंगे अब इन्हें। ऐसे ही इन्हें हम पलट पलट कर सेकते रहेंगे। फिर से ढक के रख देते हैं। फिर से ढक के रख देते हैं। फिर बीच में फिर चेक करेंगे हम 5 से 10 मिनट के बाद। बाटियों को सिकते हुए 40 से 45 मिनट हो गई हैं। देखते हैं, देखिए बाटी अच्छी तरह सिक चुकी हैं। मैंने इन्हें पलट पलट के 40 मिनट तक सेका है। अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं दूसरी प्लेट में। देखिए कितनी अच्छी सिकी है ये। अब इनको हम घी लगाते हैं इनमें। अब हम मैंने एक बाउल में घी ले लिया है। अब एक बाटी लेते हैं हम, इसको हाथ से इस तरह दबा के इस तरह दबा देते हैं और इसमें घी में डिप करते हैं। ऐसे देखिए इनको हम दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। ऐसे ही मैं दूसरी बाटी को लेती हूँ। इस तरह हाथ से ऐसे दबाते हैं बाटियों को तो इससे क्या घी अंदर तक चला जाता है इसमें और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। जब ऐसे सारी बाटियों में घी लगा के रख लेती हूँ। कढ़ाई में जो मैंने बाटी बनाई थी, बाटी बन के तैयार है। ये बहुत ही सॉफ्ट है, जिस तरह ओवन में बाटी बनती है ऐसे ही सॉफ्ट है ये और खाने में बहुत टेस्टी है। थोड़ा टाइम तो लगता है इनको बनने में, 40 से 45 मिनट, लेकिन बनती बहुत अच्छी है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।